हेलो गाइस, और फिर से एक बार स्वागत है बेंगलोर रॉकेट्स वर्सेस पंजाब ब्लास्टर्स के बीच आज का मैच है, और मैंने लिया है पंजाब ब्लास्टर्स। और टॉस आज भी शायद हम जीत जाएंगे, देखते हैं। जी हाँ, हम जीत गए टॉस और हमने पहले इस बार बॉलिंग करने का फैसला लिया है। यहाँ पे दोनों टीम देख सकते हैं आप, बेंगलुरु रॉकेट्स और पंजाब ब्लास्टर्स का टीम है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला ही गेंद क्रिस जॉर्डन, विराट कोहली यहाँ पे फेस करेंगे। यहाँ पे खेल दिया सीधा और फील्डर मौजूद, एक ही रन आएगा यहाँ पे बस। ओवर का पांचवा आखिरी गेंद, और रवि बिश्नोई को यहाँ पे 4 रनों के लिए मार दिया है देवदत्त पड़िकल ने। एलिस टू विराट कोहली, और विराट कोहली ने यहाँ पे उठाया है बहुत ही बड़ा शॉट, 6 रन। विराट कोहली ने फिर से एक बार उठाया एक ही जगह पे, बैक टू बैक 2 छक्के विराट कोहली के बल्ले से। एलिस का अगला गेंद, और यहाँ पे कैच मिस होता हुआ केएल राहुल से, और एज लग के ये चौका जाएगा थर्ड मैन के दिशा पे। एलिस का अगला गेंद, और इस बार फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग के अंचल में, और एक फिर से चौका। हरप्रीत बराड़ आएंगे यहाँ पे बॉलिंग करने देवदत्त पड़िकल को, और पड़िकल ने सीधा खेला है ये शॉट, और ये 6 रन कोई नहीं रोक सकता। हरप्रीत बराड़ टू विराट कोहली, और विराट कोहली लाजवाब शॉट यहाँ पे, बहुत बड़ा छक्का। हरप्रीत बराड़ का आखिरी गेंद, और यहाँ पे ड्रिफ्टर समझ नहीं पाए विराट कोहली, और आउट होते हुए पवेलियन के, और बड़ा विकेट। फिर से एक बार एलिस बॉलिंग करने आया, पीछे की तरफ खेल दिया, कैच आउट हो सकता है, जी नहीं, वहाँ पे 1 ड्रॉप, और यहाँ पे बस एक ही रन आएगा। रजत पतिदार, देवदत्त पड़िकल ने उठाया है, और ये शॉट फिर से एक बार 6 रनों के लिए गैलरी में। एलिस का अगला गेंद, और देवदत्त पड़िकल यहाँ पे कैच आउट होंगे, वहाँ पे फील्डर मौजूद था, टाइमिंग में गड़बड़ी, और ये एक विकेट मिलता हुआ। क्रिस जॉर्डन अगला गेंद, रजत पतिदार ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाया है, और ये शॉट 6 रन के लिए। क्रिस जॉर्डन का अगला गेंद, और फिर से एक ही दिशा में ऑडियंस के बीचों बीच रजत पतिदार का एक और छक्का, और फिर से यहाँ पे छक्कों की बारिश, हैट्रिक हो गया है इस बार, बैक टू बैक 3 छक्के लग चुके हैं। देखते क्या चौथा छक्का लगेगा, जी हाँ बिल्कुल सेम जगह सेम दिशा में एक और छक्का। रवि बिश्नोई आएंगे, और फिर से रजत पतिदार फिर से सेम जगह पे एक और छक्का मारते हुए। यहाँ पे बेंगलोर के लिए रजत पतिदार ने कमाल का बल्लेबाजी करते हुए, और ये 4 रन यहाँ पे रवि बिश्नोई को इस बार उठा के मारा है, 6 रन यहाँ पे, इस बार कोई भी नहीं रोक सकता। मोहम्मद शमी आखिरी ओवर करने आए हैं, पीछे की तरफ खेल दिया स्कूप करके, और ये भी 6 रनों के लिए जाएगा। और इस बार मोहम्मद शमी का अगला गेंद, और फिर से एक बार बहुत दूर मारा है रजत पतिदार ने एक और शॉट, ये 6 रन। ओवर का चौथा गेंद उठाया है मैक्सवेल इस बार, लेकिन वहाँ पे क्रिस गेल मौजूद थे, और यहाँ पे विकेट मिलता हुआ पंजाब के टीम को, मोहम्मद शमी का विकेट। और यहाँ पे एबी डिविलियर्स सुपर ह्यूमन आखिरी बॉल यहाँ पे उठा के मारने की कोशिश, बड़ा रन के लिए, लेकिन यहाँ पे बस 2 ही रन मिलेगा वहाँ पे एबी डिविलियर्स को, और 113 पे पहुँच गए बेंगलोर की टीम, बहुत बड़ा लक्ष्य है। और पंजाब यहाँ पे शुरुआत से ही आखिर तक बैटिंग करना का शुरू करता हुआ, और ये 4 रन क्रिस गेल का बल्ले से आता हुआ। क्रिस गेल को आज कमाल खेलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्रिस गेल अपना विकेट गवा बैठे, और ये 4 रन पे। हर्षल पटेल टू केएल राहुल, और केएल राहुल लॉन्ग ऑन में मारेंगे ये शॉट, ये 6 रन कोई नहीं रोक सकता। हर्षल पटेल का अगला गेंद, और केएल राहुल ने सीधा खेला है डीप मिड विकेट के दिशा पे, और ये एक और चौका। अगला गेंद हर्षल पटेल का, इस बार फिर से 4 रन यहाँ पे मिल सकता है, जी नहीं, वहाँ पे फील्डर मौजूद थे, और यहाँ पे बस 2 ही रन मिलेगा। हर्षल पटेल का अगला गेंद, और इस बार फिर से उठा के मारने का कोशिश, लेकिन इस बार फील्डर के हाथ, केएल राहुल यहाँ पे विकेट गवा बैठे। और इस गेंद में फिर से यहाँ पे मयंक अग्रवाल भी पीछे पीछे आउट होकर लौटते हुए। शिराज का बॉल, और यहाँ पे अपर कट कर दिया है दीपक हुडा ने, लेकिन वहाँ पे फील्डर के हाथ पे जाएगा टाइमिंग की गड़बड़ी के कारण।
मार्करम आएंगे यहाँ पे। मोहम्मद शिराज के गेंद पे यहाँ पे शॉट लगाया है, ये 4 रन यहाँ पे डीप मिड विकेट के ऊपर से। युजी चहल का पहला गेंद और यहाँ पे उठा के मारा है शाहरुख खान ने, क्या ही लाजवाब शॉट था, बेहतरीन। और चहल का अगला गेंद और इस बार उठा के मारा है शाहरुख खान ने फिर से एक बार, और यहाँ पे 2 रन तो मिलना चाहिए। जी हाँ, 2 रन के लिए भागेंगे, क्या पहुँच पाएंगे? जी हाँ, पहुँच जाएंगे। चहल का आखिरी गेंद, अच्छा 2 गेंद बचे ओवर की, तो 5वां गेंद और फिर से एक बार गैप में यहाँ पे ये 4 रनों शाहरुख खान के बल्ले से। शहबाज अहमद आएंगे, शाहरुख खान ने उठाया है और फिर से एक बार 4 रन डीप मिड विकेट के दिशा में, और इस बार सीधा खेल दिया है। और ये शॉट यहाँ पे फील्डर मौजूद मार्करम यहाँ पे आउट होकर लौटते हुए पवेलियन, काइल जेमिसन का बॉल और हरप्रीत ब्रार ने खेल दिया ये 4 रन यहाँ पे, कोई फील्डर नहीं। चहल का गेंद और शाहरुख खान यहाँ पे ओवरस्टेप करने की कोशिश, और ये इस बार स्टंप आउट होकर लौटते हुए बेहतरीन कुछ शॉट लगाए थे। हसरंगा आखिरी ओवर और यहाँ पे आखिरी विकेट भी, हसरंगा का गेंद यहाँ पे, शमी क्या करेंगे, उठा के मारा है, वहाँ पे फील्डर मौजूद है, जी हाँ, और ये कैच आउट होके लौटते हुए बेंगलोर रॉकर्स यहाँ पे 50 रन से ये मैच जीती।